नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मॉनसून सत्र काफी अहम रहने वाला है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी। मॉनसून के इस सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें होने जा रही हैं। संसद का मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। हमेशा की तरह इस बार भी मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र काफी अहम रहने वाला है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी। मानसून के इस सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें होने जा रही हैं। संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। हमेशा की तरह इस बार भी मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद है। ऐसे में किस तरह से संसद चल पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर किस तरह से जरूरी बिल पारित हो पाएंगे, ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। इस मॉनसून सत्र में 6 विधेयक पेश किए जा सकते हैं। जो सूची सामने आई है उसके मुताबिक फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट वायलर बिल, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबड़ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल को पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र में ही जम्मू कश्मीर के बजट पर भी चर्चा हो सकती है।